हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वीएनए के लिए बनाया गया है। ये उनके लिए है जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस में वॉक कर रहे हैं, यानी कि सीएससी वीएनए बीसी। जो बीसी में वॉक कर रहे हैं उनके पास सीएससी की तरफ से एक टीडीएस एग्जेम्पशन लेटर आया होगा। कोई फॉर्मेट मेल में है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मेरे पास कुछ दिन पहले भी मेल आया था, शशांक गंगल ये सर हैं हमारे सीएससी के, तो इनका मेल मेरे को काफ़ी टाइम, ये 2-3 दिन पहले भी आया था, तो 17 को मेरे पास मेल रिसीव हुआ। मुझे इजीली समझ में नहीं आया तो मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ है कि प्लीज़ आप इसमें एक फॉर्मेट दें कि हमें किस फॉर्मेट में ये प्रॉपर करेक्ट फिल करके हमें सीएससी या बैंक को सबमिट करना है। तो उन्होंने ये दोबारा मुझे 18 को दोबारा से मेल किया है, जिसमें वो सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की है कि हमें टीडीएस एग्जेम्पशन लेटर। मैं बताना चाहूँगा टीडीएस एग्जेम्पशन लेटर उनके लिए जो बीसी में वॉक कर रहे हैं, तो जैसा आप लोग कैश विड्रॉल और डिपॉजिट, ये ज़्यादातर विड्रॉल होता है कि हम लोग एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी आधार से फिंगरप्रिंट से जो हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो हमारे अकाउंट से ही जुड़ता है, जिससे कि हमारा अगर 1 करोड़ से ऊपर पहुँच गया या 20 लाख से प्लस और 1 करोड़ से ऊपर जो होता है उस पर हमारा टीडीएस बैंक हमें काट लेती है हमारे ट्रांजेक्शन के हिसाब से। तो इसलिए ये बीसी के लिए स्पेशली लेटर सेंड इन्होंने किया है। उसमें इन्होंने देख रहे हैं आप साफ साफ, इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है इसमें। और जो भी ये जो मेल रिसीव हुआ है ये HDFC VC के लिए है। अभी सी जो ICICI का ओपन हुआ था उनके लिए नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश UP में हमारा है, तो यहाँ से जो मेल रिसीव हुआ है वो ये है इस तरह से। तो जो भी आपके पास मेल डिक्लेरेशन लेटर वगैरह आया होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आपको सारी डिटेल मेंशन हुई होगी कि कैसे करना है। तो जो ITR डिक्लेरेशन है उसमें आपने पैन नंबर डाल देना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका होगा वो आप डाल देंगे, यानी जब से आप स्टार्ट कर रखे होंगे। वेली का नाम यहाँ पे डाल देना है, फिर पैन नंबर, उसके बाद सिग्नेचर। कस्टमर आईडी वो होगा जो HDFC बैंक में, या ये सिर्फ मेरे पास मेल HDFC का है, तो HDFC का कस्टमर आईडी होता है अकाउंट के साथ, और अकाउंट नंबर। दूसरा आपके पास एक और इस तरह से TDS फॉर्म लेटर होता है, उसमें डेट डालना होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी CC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर आप डाल दें, और उसके बाद अपना पैन नंबर, CSE गवर्नेंस यहाँ फिर अपना वो डाल दें, यानी आप वहाँ पे लिखा होगा कॉर्पोरेट या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस किसके साथ आप पैप हैं, तो CSE गवर्नेंस की तरफ से हमें सर्विसेज मिलती हैं। फिर यहाँ पे आप HDFC डाल दें, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे BC सर्टिफिकेट डेट ऑफ मंथ, यानी जो भी आपको BC का सर्टिफिकेट मिला है, अगर नहीं मिला है तो आप अपने DM से बात करें यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो आपको इसके बारे में बता देंगे। यहाँ पे आपको CSE गवर्नेंस फील्ड फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे वेली का वो अकाउंट नंबर जो HDFC बैंक में है, फिर यहाँ पे आके CSE गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ये आपको फिल कर देना है, और ये आपको ब्रांच मैनेजर जहाँ पे भी आपका अकाउंट ओपनड है वहाँ पे आप इसे जमा करेंगे। ध्यान दें आप अपना लेटर हेड पे दें, अगर आपका कोई प्रोपराइटरशिप में रजिस्टर्ड है फॉर्म तो उसी नाम से दें, या अपने शॉप नेम से, या फिर आप अपने इंडिविजुअल नेम से भी दे सकते हैं। एक कलर लेटर हेड बना लेंगे, जो वेलीज और वर्क कर रहे हैं उन्हें पता है कि कलर लेटर हेड कैसे बनाया जाता है। और इस तरह से जो भी लेटर हैं मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया है, ये सारे लेटर्स हैं आपको फिल करके कर देना है, और उसे अपने बैंक और CSE में ये लेटर सेंड कर देना है। अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि आपको और पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे वेलीज के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना और अपनों का ख्याल रखना, CSE में अच्छा काम करते रहें। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई प्राउड यू एंड लव यू ऑल।